नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में नाराजगी है। ये नाराजगी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्मार्ट मीटर लगने से उनका बिजली का बिल बढ़ जाता है। पिछले दिनों मैं भी गांव में था, गांव में कुछ घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, कुछ में नहीं लगे हैं। जिनके यहाँ लगे हैं स्मार्ट मीटर बिजली के, वो परेशान दिख रहे थे। जो जिनके नहीं लगे हैं वो परेशान नहीं दिख रहे थे। तो ये समस्या खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। शहर के क्षेत्रों में तो लोगों ने स्मार्ट मीटर लगा दिया और जितना बिल आ रहा है लोग भर रहे हैं जैसे तैसे करके। वहाँ भी कभी कभी विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। अब एक हमारे मित्र ने फेसबुक पर लिखा कि स्मार्ट मीटर जो है महीने के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कम बिल दिखाता है और 10 तारीख के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो भाई, बिजली की खपत जिस तरीके से हो रही है उसी के अनुसार स्मार्ट मीटर बिल देता होगा। लेकिन और कई भी शिकायतें भी हैं, जैसे आप कहीं बाहर चले गए उसके बावजूद स्मार्ट मीटर जो है आपके बिजली का खर्चा दिखाता है, जो आमतौर पर पहले ऐसा नहीं होता था, या होता भी होगा तो लोगों को पता नहीं चलता होगा, क्योंकि डिजिटली ये एक एक मतलब कहीं भी अगर इंडिकेटर भी जल रहा है तो उसका भी वो बिजली चार्ज कर लेता है स्मार्ट मीटर। पहले वाले मीटर में इस तरह की बात नहीं थी। तो जाहिर तौर पर जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों का विश्वास नहीं हो पा रहा इस स्मार्ट मीटर के प्रति। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। देखिए, अब तक 44 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है बिहार में। 2 करोड़ टोटल घर हैं बिहार, पूरे बिहार में अभी 2 करोड़ लगना है। अगले साल तक ये लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले जो मीटर लगता था वो सरकार की तरफ से लगता था, सरकारी कर्मचारी जाकर लगाते थे। आज जो मीटर लगाते हैं वो एजेंसी के लोग होते हैं, प्राइवेट एजेंसी के लोग होते हैं। तो विश्वास कम होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भाई एजेंसी पर हम क्यों विश्वास करें, हमने तो सरकार पर विश्वास किया है, सरकार को चुना है, तो एजेंसी पर कैसे विश्वास करें। वो मीटर सही लगा रहा है, गलत लगा रहा है, हमारा मीटर कहीं फास्ट तो नहीं कर दे रहा है। देखिए, मोबाइल कंपनियां भी प्रीपेड सिम बेचती हैं और उनका भी रिचार्ज होता है, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। जितना का जितनी की बात हुई तुरंत उसका बिल आ गया कि आपने इतने मिनट में इतना पैसा आपका खर्च हो गया है। स्मार्ट मीटर में ये नहीं हो पा रहा है, डेली अपडेट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि जो होना चाहिए हर घंटे, चाहे हर 24 घंटे पे अपडेट दे कि भाई आपने 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में आपने इतनी बिजली खर्च की है, आपके इतने यूनिट उठे और इतने के दर से इतने पैसे आपके हुए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब सरकार ने एक नया फरमान भी जारी कर दिया है कि भाई ठीक है, आप आपकी अगर आपकी दिक्कत है कि आप स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक व्यक्ति को सरकार हरेक गांव में, प्रत्येक गांव में रखेगी। अब वो व्यक्ति कौन होगा? उसी एजेंसी का व्यक्ति होगा, वो जिस एजेंसी ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया है उसी एजेंसी का व्यक्ति गांव में रिचार्ज करेगा। अब जैसे आप समझिए कि एक तो आप पहले स्मार्ट मीटर पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, फिर उस व्यक्ति पर कितना विश्वास होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। कई गांवों ने तो मना कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे स्मार्ट मीटर। अब बिजली कट जाती है, काट दी जाती है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार का जो ये मतलब तरीका है वो उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि स्मार्ट मीटर से अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। सरकार तो फायदे में आ गई है, सरकार जो बिजली विभाग बिहार की
पिछले 75 सालों से घाटे में चल रही थी, अब मुनाफे में आ गई है। लेकिन मुनाफे में आई है किसकी बदौलत आई है? उपभोक्ताओं के बदौलत, बिहार की जनता के बदौलत, जो स्मार्ट मीटर से अब पैसे ले रहे हैं। आप ये बताइए कि आपका जो है एनर्जी लॉस आपने कम किया कि नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया कि नहीं किया, जो पुरानी खराब पड़ी तारे हैं उसको ठीक किया कि नहीं किया, उसमें कितना जनरेशन लॉस हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जनता पर लगे, जनता को लगे कि उनके लिए काम ये किया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ लग रहा है कि एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अब देखिए, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि 10,000 कुछ करोड़ रुपये का ये पूरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट मीटर लगाने का पूरे बिहार में, लेकिन उसको ओवर बजट किया गया और 15,000 करोड़ रुपए अवार्ड कर दिए गए 6 कंपनियों। तो कहने का मतलब यह है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं या एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आप मुनाफे में आ गए, लेकिन आप ये बताइए कि सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगा है, सरकारी संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगा है, सरकारी जो लोग हैं उनके घरों में क्या स्मार्ट मीटर लगा है? बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने तो खबर चलने के बाद अपने आवास पर स्मार्ट मीटर लगा लिया है, लेकिन क्या दूसरों ने इसका अनुसरण किया है? देखिए, मैं तो पहले भी कह रहा था कि सरकार को पहले लगाना चाहिए कि एक ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, मंत्री को पहले लगाना चाहिए ताकि लोग उनसे सीखें। जब आप खुद नहीं लगाएंगे, अपने सरकारी दफ्तरों पर नहीं लगाएंगे, कितना बकाया है सरकारी दफ्तरों पर, किसी से छिपा तो नहीं है, यूनिवर्सिटियों पर कितना बकाया है बिजली का बिल, तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। केवल नियम बना देने से और केवल ये लगे, जनता को ये लगे कि केवल इससे जो एजेंसियां हैं उनको फायदा हो रहा है, जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, अगले साल चुनाव भी होना है बिहार में, और बिजली का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बन सकता है। बिजली की स्थिति तो ठीक हुई है पहले से, लेकिन जिस दर में बिजली दी जा रही है या फिर जो स्मार्ट मीटर के जरिए जिस तरह का बिल आ रहा है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं, और निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। लोगों को कम से कम विश्वास दिलाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, ना कि एजेंसियों के लिए कर रहे हैं। अब एजेंसी का ही व्यक्ति मीटर भी लगाएगा और वही रिचार्ज भी करेगा, आप समझिए कि क्या होगा आगे चल के, क्या हो सकता है इसमें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। भ्रष्टाचार तो वैसे ही बिहार के कणकण में समाया हुआ है। तो कहने का मतलब, आज मान लीजिए कोई मीटर अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करा लेता है, तो वो पड़ोस में किसी बच्चे को पकड़ के करा सकता है, उसको एवज में उतना पैसा दे सकता है। इसके लिए अलग से व्यक्ति रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। वैसे भी अभी 2 करोड़ घरों में से केवल 44 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस तरह के कदम से बचना चाहिए, और जिस प्रकार की जो खबरें चल रही हैं, जो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हर 3 महीने में मीटर का सत्यापन किया जाएगा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब जो उपभोक्ता है, जो जनता है, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। अरे भाई, आप सही कर रहे हैं, आपका मीटर सही है, इसका हमको विश्वास कैसे होगा, ये देखने की बात है। तो कई लोगों की कई तरह की शिकायतें हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्मार्ट मीटर है उसको हर घंटे का या हर 24 घंटे का एक हिसाब देना चाहिए। बहुत जगह ये हिसाब नहीं आता है कि कितना आपका पैसा यूनिट उठा, आप एक घंटे में आप कितना खर्च कर रहे हैं, उस तरीके का अगर आंकड़ा हो तो शायद लोगों को विश्वास हो जाए कि हम जो खर्च कर रहे हैं वाकई जेन्युइन है। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करेंगे,
जो आपका बिजली का जो स्मार्ट मीटर का जो ऐप है वो अपडेट नहीं हो तो उससे दिक्कत होती है। कभी कभी लगता है कि बड़ा धीरे चल रहा है, कभी कभी लगता है कि बड़ा तेज बिजली की खपत हो रही है, जबकि जो बिजली आप जलाते हैं रोजमर्रा को उतना ही रोज जलता है। तो ये सब इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, और निश्चित तौर पर सरकार पहले अपने संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाए और उसके बाद फिर जनता के बीच जाए, ताकि जनता को ये विश्वास हो जाए कि सरकार जो कर रही है वो हमारे भले के लिए कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।